आज विश्व खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के सभी देश भूख पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भूख का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिन जिन देशों में आतंकवाद ने पैर पसार लिए हैं वहां पर भी भूख का संकट खड़ा है, चाहे वह सूडान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे टर्की हो, चाहे सीरिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में विश्व का पहला अनाज बैंक, जिसको विशाल भारत संस्थान संचालित करता है, वो विश्व खाद्य दिवस पर किसी तरह का सेमिनार आयोजित नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहा है जिन परिवारों में भूख का संकट था और उनको अनाज दे करके भूख से मुक्ति की गारंटी ले रहा है। अनाज बैंक ने सुभाष भवन में इंद्रेश नगर में सुभाष भवन स्थित वहाँ पर अनाज बेल यथा अर्थात अनाज की घंटी लगा रखा है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में से कभी भी अगर अनाज बेल दबाएगा, अनाज की घंटी बजाएगा, तो उसको अनाज दे करके हम भूख की पीड़ा से मुक्त करेंगे। भूख से जो लोग परिवार पीड़ित हैं, अर्थात दो वक्त की रोटी का जुगाड़ जिन परिवारों में नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम अनाज दे करके उनको न सिर्फ भूख से मुक्ति दिला रहे हैं, बल्कि भूख से मुक्ति की गारंटी भी दे रहे हैं। हमें अगर जिस तरह से सर्वे के आधार पर पता चलता है कि उनको 2 साल के लिए अनाज चाहिए कि 3 साल के लिए अनाज चाहिए कि आजीवन अनाज चाहिए, जैसी पात्रता है वैसे हम अनाज दे रहे हैं। यह गाँव मुंशी प्रेमचंद जो कथा सम्राट थे उनका गाँव है। उन्होंने अपनी तमाम कहानियों में गरीबी का जिक्र किया है, ऐसे गरीब लोगों का जिक्र किया है जिनके पास भोजन के लिए और कफन के लिए पैसा तक नहीं था। आज इतने साल बीतने के बाद भी परिस्थिति नहीं बदली, इसलिए विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व के पहले अनाज बैंक ने यह तय किया कि मुंशी प्रेमचंद के इस गाँव लम्ही को हम भूख से मुक्ति की गारंटी देंगे। और विश्व खाद्य दिवस पर यह संकल्प हमने लिया है कि लम्ही गाँव में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा।